हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट द गोल्स, अदर गोल्स. वो गोल्स एक टूल हैं, एक दिशा है कि आप उस तरफ अचीव करो, लेकिन वहाँ खो मत जाना. व्यक्ति काम में बिजनेस करता है, फैक्ट्री डालता है, और इतना खो जाता है कि अपनी खुशी को भूल जाता है. वो इतना खो जाता है कि अपने परिवार को भूल जाता है, और फिर एंड ऑफ द डे वो सोचता है कि मैंने पाया क्या. मैंने अपने लिए भी मुसीबत खड़ी करी, सबके लिए भी मुसीबत खड़ी करी मैंने. तो इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स इज एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट. जितने शिव योगी हैं वो हर रोज उठो तो ये पाना कि मैं कितनी खुशी मुझे प्राप्त हुई, क्योंकि वही खुशी आपके अचीवमेंट में मिलेगी, वही खुशी आपके पारिवारिक संबंधों में मिलेगी, वही खुशी आपको कोई भी आध्यात्मिक उन्नति में मिलेगी, वही खुशी है. तो हैप्पीनेस इंडेक्स इज एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट. इसलिए दिनचर्या याद रखना. सुबह का समय देव कर्म का, इट्स अ टाइम ऑफ असेंशन. आपकी कॉन्शियसनेस उठनी चाहिए, वाइडन होनी चाहिए, इग्नोरेंस हटनी चाहिए, और आप कनेक्ट हों वो जो इनफाइनाइट आपके अंदर है, द गॉड हु इज देयर इनसाइड यू, हु इज द सोर्स ऑफ रियल पावर, हु इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, उसके साथ आपको जुड़ना है. योग की स्थिति, यही योग की स्थिति है. इसी को ही योगी कहते हैं. योगी का मतलब जो जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? विद द सोर्स. वो सोर्स क्या है? वो इनफाइनाइट पावर है. तो सुबह का समय योग का समय, शिव योग. शिव अनंत है, तो उस अनंत के साथ जुड़ने का समय है. फिर संसार में आए हो तो संसार के कर्तव्य भी हैं. दिन का समय सकाम कर्म का समय, कुछ कमाने का समय, परिवार के उत्तरदायित्व है, सकाम कर्म. और जुड़े क्यों, सकाम कर्म क्यों किया? क्योंकि वो जो खुशी है, वो जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव, उसको एक्सपीरियंस करना है. तो रात्रि का समय जो है परिवार के साथ, विच इज अ पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप, उन सब के साथ एक्सचेंज ऑफ गिविंग लव एंड रिसीविंग लव. भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे गोपियों के साथ, तो बहुत से सिद्ध वहां आए, बहुत से सिद्ध जो तपस्यारत थे वो वहां आए. उन्होंने कहा कि मैंने, हम लोगों ने सब कुछ साधना करके प्राप्त किया, लेकिन जो प्रेम होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, वो तो हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया जो आप इनको दे रहे हो. तो भगवान ने कहा कि तुम भी गोप और गोपियों का रूप धारण करो. तो वो जितने भगवान कृष्ण के साथ गोप और गोपी थे, वो सभी तपस्वी ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपने जीवन को अंधूरा पाया कि उन्होंने खूब तपस्या कर ली, सब कर लिया, लेकिन गिविंग लव एंड रिसीविंग लव वो एक्सपीरियंस नहीं किया, अनकंडीशनल लव. तो भगवान कृष्ण के साथ फिर उन्होंने जो कृष्ण लीला का जो विवरण आता है, वर्णन आता है, ये वो है. तो जीवन में तपस्या, कर्मों से मुक्ति, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कर्म, उनसे मुक्ति, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बिलीफ की क्रिएशन. संसार में आए हो तो जो भी अनुभव करना है, जो भी सफलता सक्सेस, वो सकाम कर्म भी करो. और रात्रि का समय जो है
वो उस अनकंडीशनल लव ऑफ योर सोल ग्रुप जो परिवार है उसके साथ समय बिताओ।